केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय नौसेना के INS खंडेरी में उन्होंने सॉटी ली। यहां उन्होंने समुद्र के अंदर यात्रा की, युद्ध की तैयारियों का जायजा लिया, तकनीकी जानकारियों को समझा। कलवरी क्लास सबमरीन की 6 पनडुब्बियों में से ये दूसरी पनडुब्बी है। राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के करवर में स्थित नौसैनिक पोर्ट पर जाकर करीब 4 घंटे तक इस पनडुब्बी में बिताया, इसकी स्टेल्थ क्षमताओं के बारे में जानकारी ली। राजनाथ सिंह के साथ चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आर हरि कुमार और दूसरे सीनियर सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर कहा कि भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे आधुनिक, भरोसेमंद और ताकतवर सेना है। भारतीय नौसेना द्वारा मांगी गई 41 जंगी जहाजों और पनडुब्बियों में से 39 स्वदेशी है। ये आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। INS खंडेरी का ध्येय वाक्य अखंड, अभेद्य, अदृश्य है। इसका नाम छत्रपति शिवाजी के किले खंडेरी के नाम पर रखा गया है। इसके पहले राजनाथ सिंह ने जवानों के साथ योग भी किया और इससे पहले बेस पर जवानों को संबोधित भी किया था। और जो भी हमने अनुभव किया है उसके बाद मेरा भरोसा और पक्का हो गया है कि इंडियन नेवी एक ऐसी मॉडर्न, पोटेंट और क्रेडिबल फोर्स है जो हर स्थिति और परिस्थिति में विजिलेंट, वैलियंट और विक्टोरियस रहने में पूरी तरह से सक्षम है। INS खंडेरी भारत की मेक इन इंडिया कैपेबिलिटीज का एक शानदार यह उदाहरण भी है। और आप सबको यह जानकर बेहद खुशी होगी, इस समय इंडियन नेवी की जो 41 शिप्स या सबमरीन या ऑर्डर दिए गए हैं उनमें 39 शिप्स या सबमरीन यह केवल इंडियन शिपयार्ड्स में इस समय बन रहे हैं। अभी लगभग 10 दिन पहले मैंने स्वयं 2 शिप्स की लॉन्चिंग मुंबई में की है और जिस INS खंडेरी में कि आज मैंने सार्टी ली है, मेरा यह सौभाग्य रहा है कि इसकी भी कमीशनिंग मेरे ही हाथों से सितंबर 2019 में हुई है। और साथियों, इंडियन नेवी ने हाल ही में जिस तेज गति से शिप्स और अन्य प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया है उससे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत की कैंपेन को यह काफी ताकत मिली है। और इस साल जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो भारतीय नौसेना का INS विक्रांत कमीशनिंग के लिए तैयार हो रहा है। विक्रांत और विक्रमादित्य ये दोनों मिलकर भारत की मैरिटाइम सिक्योरिटी को बहुत बड़ी ताकत देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। INS खंडेरी डीजल इलेक्ट्रॉनिक अटैक सबमरीन है। इसकी लंबाई 221 फीट है, इसका बीम 20 फीट लंबा है, ऊंचाई 40 फीट है, सतह पर इसका वजन 1615 टन रहता है, जबकि पानी के अंदर यह बढ़कर 1775 टन हो जाता है। यह सतह पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, जबकि पानी के अंदर इसकी क्षमता बढ़कर 37 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है।